Assalamu alaikum and very good morning to my dear students. Today I am going to teach you English Marigold class 3 and my topic is Nina and the Baby Sparrows. Dear students, today I am going to explain this lesson Nina and the Baby Sparrows. Students, open your textbook page number 15. You need to

लिटल ब्रदर वॉर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग नीना के पापा उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई वो तीनों शादी के लिए दिल्ली जाने वाले थे एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना घर में सब खुश थे नीना के सिवाय हर मदर टू हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस नीना की मम्मी उसको बाज़ार में नए कपड़े दिलाने के लिए ले गई वॉट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क मम्मी ने कहा तुम्हें कौन सा कलर पसंद है आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना नीना ने कहा मम्मा मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए सलवार कमीज थे तो क्या सलवार कमीज नीना शुक हर हेड नीना ने अपना सर हिलाया वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू शो लास्ट वीक नीना की मम्मी ने कहा कि जो वाइट शूज़ दिखाई ना न ये पिक्चर में वो उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है जो तुमने लास्ट वीक देखे थे आई डोंट वॉन्ट दोज आदर थैंक यू मदर नीना ने कहा मम्मा थैंक यू मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए नीनाज मदर वॉज अपसेट नीना की मम्मी अपसेट अपसेट यानि उदास हो जाना उसकी मम्मी कैसी हो गई उदास हो गई बट सी सेट नथिंग पर उसने कुछ नहीं कहा They went back home and had lunch. वो घर पे गए और अपना लंच किया After lunch, mother came and sat near Nina. लंच खत्म करने के बाद मम्मी नीना के पास आई और उससे कहा What is it, child? बेटा तुम्हें क्या हुआ है She asked. वाई डिड यू से नो टू एवरी थिंग उसने कहा तुम सब चीज़ में ना क्यों कह देते हो नाव स्टूडेंट टर्न द पेज पेज नंबर सिक्सटीन मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू देडिंग वेडिंग वेडिंग यानी शादी नीना सेज टू हर मदर नीना अपनी मम्मा को कहती है मम्मा आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग मुझे शादी में नहीं जाना बट वाई मम्मा पूछती है पर क्यों नीना से नथिंग नीना ने कुछ नहीं कहा इन स्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स नीना कुछ कह भी ना पाई और दो टीयर्स टीयर्स आने आंसू देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं ना टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स उसके गार पर आंसू दिखने लगे मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना ममा ने उसके हाथ नीना की तरफ रखे और कहा डोंट क्राई रोना मत माय पेट मेरा बेटा तू मत रो सी से वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोधरिंग यू बोधरिंग यानी टू वरी तुम क्यों चिंता कर रही हो मदर ने कहा सी सेट वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू तुम मुझे बताओ ना तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चिक्स और ज़्यादा आंसू आने लगे नीना के चिक्स पर दिखने लगे मधर से मधर सी सेट देर इज़ अ नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम नीना ने कहा उसकी मम्मी को कि एक बुक सेल के ऊपर स्पैरो का स्पैरोस का नेस्ट है उसके रूम के अंदर एंड देर आर टू बेबी स्पैरोज़ इन द नेस्ट और वो नेस्ट के अंदर दो बेबी स्पैरोस है जो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ना कि ये नीना का रूम है और उसके रूम के अंदर एक स्पैरो का नेस्ट है और वो नेस्ट कहाँ पे है बुक सेल्फ के ऊपर और वहाँ नेस्ट के अंदर दो बेबी स्पैरोज भी है आई सी सेड मदर मदर ने कहा हाँ मैंने भी वो देखा है दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देर फिदर्स वो अभी बहुत छोटे हैं उनके अभी अभी ही पंख फूटे हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री और जब वो बड़े होते हैं ना तो उनको क्या लगती है बहुत भूख लग भूख लगती है और ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड पूरा दिन वो क्राई करते क्राई मीन्स रोते हैं और क्या बोलते हैं चीप 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 चीप, चीप साउंड करते हैं और खाने के लिए कुछ मांगते हैं आई सी सेड मदर मदर ने कहा हाँ मुझे पता है इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड अगर हम बाहर जाएंगे तो पूरा प्लेस लॉक हो जाएगा लॉक यानी बंद हो जाएगा एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज़ फीड देयर बेबीज तो किस तरह मम्मी और पापा स्पैरो के मम्मी और पापा उसे बेबीज़ को किस तरह खिलाएंगे ओ नीना क्राइड मदर मम्मी उसको प्यार से गले लगाती है और गिविंग हर अबी घर हग यानी गले लगाना इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग क्या इसीलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती नीना की मम्मी उसको गले लगाती है और कहती है कि ये वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती बट देट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल पर यह कोई वजह नहीं है वी विल लीव द विंडो ओपन हम क्या करेंगे विंडो यानी बाहरी और ओपन यानी उ खुली रखेंगे विंडो यानी हम खिड़की को खुली रखेंगे ओ कैन वी मदर कैन वी रियली क्या हम रखेंगे मम्मा क्या सच में हम विंडो ओपन रखेंगे यस yes, यस yes, हाँ हाँ वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्राम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउट साइड हम क्या करेंगे तुम्हारे रूम के अंदर से जो थिंग्स है उसको वहाँ से हटा देंगे और डोर को बाहर से बंद कर देंगे सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ तो क्या हो जाएगा घर हमारा पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा सेफ यानी सुरक्षित एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज़ कैन कम एंड गो फ्रीली टू और बेबी स्पैरोज के मम्मी एंड पापा वहाँ अपनी मर्जी से आने और जा और जा सकेंगे नाउ स्टूडेंट सी द पेज नंबर सेवेंटीन जस्ट थिंक नीना वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देर नेस्ट मम्मा उसे सोचने के लिए कहती है कि नीना सोचो जब तुम वहाँ शादी में एंजॉय करोगी तो यहाँ पे भी बेबी स्पैरोज़ है ना यहाँ पे बहुत अच्छे हो जाएंगे सुंदर हो जाएंगे और फैट थोड़े मोटे भी हो जाएंगे उनके नेस के अंदर गुड आइडिया इजेंट इट बहुत अच्छी सोच है क्या तुम्हें नहीं लगता इट वॉज़ अ गुड आइडिया हाँ ये बहुत अच्छा सुझाव है वेन नीना केम बैक फ्राम द वेडिंग जब नीना शादी में से वापस आई देर वेर टू प्लम्प लिटल स्पैरोज़ फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम तो उसने देखा कि वहाँ पे टू प्लम प्लम्प यानि फैट बड़े मोटे लिटल स्पैरो छोटे स्पैरोज uh, यानी चिड़िया चिड़िया के दो स्पैरो चिड़िया के बच्चे स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम रूम में क्या करने लगे उड़ने लगे उसने देखा कि दो फैट छोटे छोटी चिड़िया रूम के अंदर उड़ने लगी एंड वजन नीना थ्रिल थ्रिल्ड यानी एक्साइटेड और उसको देख के नीना बहुत रोमांचित हो गई तो यहाँ पे नी नीना ये दोनों चिड़िया को उड़ते देख के बहुत खुश हो गई एक्साइटेड हो गई सो so, यह हमारी स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है और ये स्टोरी के राइटर है प्रतिभा नाथ और यहाँ हमारी एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है ओके okay, स्टूडेंट्स